हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इनर ज्वाइन के बारे में। इनर ज्वाइन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, इनर ज्वाइन होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, और हम लोग उसको पूरा प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे इनर ज्वाइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनर ज्वाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ज्वाइन होता क्या है, क्योंकि इनर ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन। ठीक है, एक तरह से ज्वाइन का टाइप ही होता है इनर ज्वाइन। तो अगर आपको इनर ज्वाइन से पहले ज्वाइन का एक बेसिक सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ज्वाइन को सिंपल भाषा में डिफाइंड करूँ, ऐसा समझिए टू दो टेबल को आपस में कंबाइन करके हमको पर्टिकुलर आउटपुट देना। ठीक है, क्योंकि हमको कभी कभार ऐसा यूज केस आ जाता है जहाँ पे हम लोग को दो टेबल को आपस में ज्वाइन करना पड़ता है, मतलब एक तरह से ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद हम लोग पर्टिकुलर आउटपुट हम लोग को मिलता है। ठीक है, ऐसा कोई कोई यूज केस होता है। तो आप बोलिएगा कि एक यूज केस आप एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, आप ये देखिए, यहाँ पे बेसिकली तीन टेबल आप लोग को यहाँ पे दिख रहे होंगे, तीन टेबल यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला टेबल है स्टूडेंट टेबल। ये जो टेबल है ये है स्टूडेंट टेबल, ये टेबल है हमारा स्टूडेंट टेबल। दूसरा टेबल है ये हमारा है कोर्स टेबल, दूसरा टेबल है कोर्स टेबल, और ये तीसरा टेबल है एड्रेस टेबल। तीनों अलग अलग टेबल है, तीनों को एक दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तीनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा यूज केस आ गया जहाँ पे आपसे, मान लीजिए कोई आप डेटाबेस इंजीनियर है, आपसे कोई बोल रहा है कि आप पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम बताओ जो कि डीएसए कोर्स में इनरोल्ड है। तो यहाँ पे एक टेबल से हमको वो डेटा नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि जो कोर्स है वो बेसिकली दूसरे टेबल में है, और जो आपका पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है वो कोई दूसरे टेबल में है। तो यहाँ पे हमको दो टेबल को ज्वाइन करके हमको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि हमको इससे पता चले कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम अगर आपसे पूछ रहा है कि जो कोर्स डीएसए में एनरोल्ड है, तो आपको पता चल सके। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे ये मत समझिएगा कि दो ही टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो मल्टीपल टेबल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोग को मल्टीपल टेबल का भी एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे कि मल्टीपल टेबल को आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अब ज्वाइन आप लोग को आइडिया लग चुका होगा कि ज्वाइन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब इसी का ही टाइप है इनर ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन बेसिकली मैं अगर आप लोग को बताऊं तो ज्वाइन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, और भी आप बोल सकते हैं। बेसिकली मैं आप तीन टाइप के ज्वाइन कवर करूंगा। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले मैं कवर करूंगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन जो इस वीडियो में मैं हम कवर करने वाला हूँ इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन के बारे में हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। उसके बाद जो दूसरे टाइप के ज्वाइन होते हैं वो होते हैं आउटर ज्वाइन। ये आने वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आउटर ज्वाइन के बारे में। बेसिकली आउटर ज्वाइन दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक होता है राइट आउटर ज्वाइन। दो टाइप के आउटर ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, उसी प्रकार एक टाइप के ज्वाइन होता है सेल्फ ज्वाइन। यहाँ पे बेसिकली सेल्फ ज्वाइन क्या होता है ये हम लोग आने वाले वीडियो में इसके बारे में भी जानेंगे। एक और होता है क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन भी आप बोल सकते हैं। और बेसिकली हम लोग इस सब सारे प्रकार के ज्वाइन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इनर ज्वाइन के बारे में कि इनर ज्वाइन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं इनर ज्वाइन के बारे में। देखिए इनर ज्वाइन के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो इनर ज्वाइन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये जैसे मान लीजिए ये कोई दो टेबल है, ये कोई दो टेबल है, या ऐसे ऐसे इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ये इस तरह दो टेबल है, ये कोई मान लीजिए दो टेबल है हमारा। अब ये दो टेबल को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बेसिकली मैं इसको दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो इंटरसेक्टेड पार्ट है, मतलब जो दोनों टेबल में कॉमन पार्ट है, ये इस पार्ट मतलब ये पार्ट समझिए, ये दोनों टेबल में ये पार्ट कॉमन है। तो जो कॉमन पार्ट है इनर ज्वाइन से हमको वो पार्ट मिलेगा बेसिकली जो कि कॉमन है दोनों टेबल में। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए तो मैं सीक्वल डेटाबेस पे आता हूँ, इस सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले, एक बार इस सबको मैं पूरा डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई तीन टेबल है। ठीक है, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको कोई ऐसा मतलब ऐसा आप दीजिए, ऐसा कोई स्टूडेंट का नाम बताइए जो कि डीएसए कोर्स में इनरोल्ड हो। तो पहले बात देखिए, ये हमको एक टेबल से मिल नहीं सकता क्योंकि कोर्स दूसरे टेबल में अवेलेबल है और स्टूडेंट कोई दूसरे टेबल में अवेलेबल है, तो हमको यहाँ पे मिल नहीं सकता एक टेबल से। तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमको एक बार यहाँ पे अब हम लोग ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेसिकली ज्वाइन कैसे करते हैं, नॉर्मल सिंटेक्स में आप लोग को बता रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मुझे मेरे ख्याल से। ठीक है, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हमको इस टेबल से स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा, स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हम इसको एलियास दे दिए हैं, अभी कोई एक एलियास दे दिए, ठीक है। एलियास हम स्टूडेंट नाम को एसटी दे दिए। एलियास क्या होता है मैंने सब बता रखा है। बेसिकली हम लोग इस टेबल को एक सिंपल सा स्मॉलर नेम दे दिया कि बड़ा नाम बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए इसको हमने स्मॉलर नेम दे दिया, ठीक है। अब हमको बेसिकली क्या करना है, ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन। हम लोग अभी यूज क्या कर रहे हैं, इनर ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इनर ज्वाइन लिख लिए हैं। इनर ज्वाइन के बाद हमको किस टेबल से ज्वाइन करना है, हमको जो कोर्स हमको हमको चाहिए, कोर्स क्या चाहिए, डीएसए चाहिए, कि हमको स्टूडेंट का नाम निकालना है जो कि डीएसए कोर्स से एनरोल्ड हो। तो ये डीएसए अवेलेबल किस में, कोर्स टेबल अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन करेंगे कोर्स टेबल से, कोर्सेस टेबल से, ठीक है। टेबल से ज्वाइन, इसको भी हम एक एलियास दे देते हैं, सी दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि बेसिकली किस कॉलम पे हम लोग ये ज्वाइन लगाने वाले हैं, किस कॉलम का मतलब क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे है आईडी बेसिकली, ठीक है। ये है आईडी, हम इस कॉलम पे लगाने वाले हैं, आप कोई भी कॉलम पे लगा सकते हैं। ये है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। बेसिकली तो बेसिकली एक तरह से समझिए, ये वाला जो आईडी है, ये जो स्टूडेंट आईडी इस टेबल में, कोर्स टेबल में, ये रेफर किसको कर रहा है, ये आईडी को, बेसिकली ये आईडी को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जब इनर ज्वाइन लगाएगा तो ये मिलाएगा, बेसिकली ऐसे समझिए, ये इस देखिएगा वन, ये वन, ये वन इक्वल है, तो बेसिकली ऐसे करके ये इनर ज्वाइन करेगा। अभी आप रिजल्ट आएगा तो आपको और क्लियर आइडिया लगेगा कैसे हो रहा है बेसिकली। पर आप ऐसा समझिए, ऑन में हम लोग देते हैं बेसिकली आप किस ज्वाइन के, किस कॉलम के बेसिस पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं। इनर ज्वाइन में ये क्या करेगा, बेसिकली मिलाएगा, जैसे ये वन इक्वल है, फिर ये टू देखेगा कहीं टू है कि नहीं, टू कहीं पे नहीं होगा तो ये कॉलम को एक्सक्लूड कर देगा। उसी तरह फिर ये वाला देखेगा थ्री, थ्री कहीं है कि नहीं, अगर होगा तो ये वाला कॉलम भी रिजल्ट में आएगा। जैसे ये फिर फोर देख लेगा, फिर जैसे ये फोर, ये वाला टेबल को देखेगा फोर, तो ये वाला चेक करेगा कि ये फोर इस पर्टिकुलर में अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल होगा ये स्टूडेंट आईडी में ये वाला फोर, तो उस वाला पर्टिकुलर रो को भी ये क्या करेगा, रिजल्ट में इंक्लूड करेगा। अगर जैसे ये, फिर उसी तरह सिंपल अगर भाषा में मैं समझाऊं कि ये बेसिकली ये इफ कंडीशन, ऐसा समझिए ये इफ कंडीशन लगाएगा यहाँ पे, इफ कंडीशन, और चेक करेगा ये आईडी अवेलेबल है कि नहीं इस आईडी में, मतलब ये स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम में ये वाला आईडी अवेलेबल है कि नहीं। और जो जो आईडी अवेलेबल होगा यहाँ पे, वही सब आईडी हमको रिजल्ट में आने वाला है, क्योंकि ये बेसिकली इंटरसेक्शन कर रहा है। सो इंटरसेक्शन करने का मतलब जो भी पार्ट कॉमन है दोनों टेबल में, सिर्फ वही आएगा हमारा रिजल्ट में। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑन में वही चीज डालते हैं जो जिसके बेसिस पे आपको ज्वाइन लगाना है। मतलब आप चेक करना चाहते हैं कि किसके बेसिस पे हम ये क्राइटेरिया मैच करें कि दोनों टेबल में कॉमन है, ठीक है। बेसिकली मैं समझाऊं तो आप यहाँ पे यही करना चाहते हैं कि आप कौन सा कॉलम के बेसिस पे आप चेक करना चाहते हैं कि आपका क्राइटेरिया वैलिड कर रहा है। क्राइटेरिया इन द सेंस यहाँ पे क्या है कि दोनों टेबल में कॉमन है, आपको कोई भी चीज तो चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये आईडी को रेफर कर रहे हैं, ये वाला आईडी को यहाँ से उठा रहे हैं, ये वाला आईडी को यहाँ से उठा रहे हैं, और हम लोग इस दोनों आईडी को कंपेयर करेंगे, और जो भी इक्वल होगा, जो भी मतलब पता चलेगा दोनों टेबल में इक्वल होगा, वो हमको रिजल्ट में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि सिंगल टेबल ही, मतलब सिंगल कॉलम भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम भी आप यूज कर सकते हैं। मैं मल्टीपल कॉलम का भी एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि मल्टीपल कॉलम कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं ये ऑन कंडीशन। फिलहाल मैं सिंगल करके दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले इसे मैं क्लीन कर लेता हूँ, सिंगल करके पहले दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑन में आएंगे और यहाँ पे कैसे करना है, एसटी स्टूडेंट टेबल का आईडी, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैं एलियास दिया था कि हमको पूरा स्टूडेंट लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का आईडी मैच करे कोर्स टेबल का स्टूडेंट आईडी कॉलम से। अब देखिए इसको मैं अगर रन करूं तो हमको क्या आता है, ये देखिए मैं एक काम करता हूं, तीनों टेबल को एक साथ क्वेरी करता हूं, तीनों टेबल को एक साथ क्वेरी करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए तीनों टेबल एक साथ क्वेरी हुआ, देखिए पहला वाला रो है वो आपके रिजल्ट में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और, तो यहां देखिए आप, ठीक है। तो पहला वाला रो यहां पे हमको रिजल्ट में दे रहा है, और ये और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये सारा कॉलम, कौन कौन सा कॉलम आया है, सारा कॉलम आ गया। देखिए ये आईडी, नेम, क्लास, डेट, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी, सारा कॉलम आ गया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है।
आप चाहते तो यहाँ पे कॉलम डिफाइन भी कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ स्टार अगर आप कॉलम का नाम देते तो वही वही कॉलम आता, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोग एग्जाम्पल में। यहाँ पर देखिए, ये वन यहाँ पे मिल गया, तो ये वाला वन यहाँ पे आ गया, नेम मोहित, क्लास डेट देखिए वन, डीएसए और स्टूडेंट आईडी वन। उसी तरह ये दूसरा वाला जो है इसको यहाँ पे भी दूसरा वाला भी मिल, दूसरा वाला लास्ट में मिला है, ठीक है, तो दूसरा वाला लास्ट में मिला है, मतलब दूसरा वाला भी यहाँ पे देखिएगा बेसिकली आ गया है, क्योंकि ये दूसरा वाला आईडी भी अवेलेबल है इस टेबल में, मतलब दोनों टेबल में कॉमन है, तो दूसरा वाला आ गया। देखिए नाम, पता, क्लास, उसके बाद सीक्वल, कोर्स का नाम, सब कुछ आ गया। उसी तरह अगर आप देखिएगा ये सेवन, सेवन वाला जो है इस बेसिकली इस कॉलम में, इस टेबल में अवेलेबल ही नहीं है। जब अवेलेबल ही नहीं है तो बेसिकली वो हमको एज अ रिजल्ट आउटपुट देगा ही नहीं देगा, ठीक है, नहीं मतलब देखिए आपके रिजल्ट में बेसिकली वो नहीं आया क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है आपके दूसरे टेबल में, वो एक ही टेबल में है, दूसरे टेबल में नहीं है। और रीजन ज्वाइन कर क्या करता है, वो दोनों टेबल का बेसिकली रिजल्ट देता है, वही रिजल्ट देता है जो कि सारे टेबल में कॉमन हो, ठीक है। ये आपको बेसिकली समझ में आ चुका होगा इनर ज्वाइन क्या होता है बेसिकली, मुझे लग रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, फिलहाल मैं अभी आप और आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तो और अगर आपकी डाउट हो तो आपको और क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्टार, यहाँ पे पार्टिकुलर डिटेल ही दे सकते हैं, जैसे हम लोग को चाहिए था नाम, एस टी टेबल में नेम है, नेम कॉलम है, उसी तरह और हमको कोर्स टेबल में कोर्सेस का नाम है। अब देखिए सिर्फ ये बेसिकली यही दो कॉलम एज अ रिजल्ट देगा, स्टूडेंट का नाम, डीएसए, और हमको क्या चाहिए था, हम लोग का क्वेश्चन क्या था स्टार्टिंग में कि हमको वो स्टूडेंट का नाम चाहिए था जो कि डीएसए कोर्स में इनरोल्ड है। तो यहाँ पे इतना दूर में से ये डिटेल आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग वेयर कंडीशन लगा देंगे, वेयर सी डॉट कोर्सेस नेम इक्वल्स टू डीएसए। तो बेसिकली हमको यहाँ से स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा जो कि डीएसए कोर्स में इनरोल्ड है। तो देखिए ये इस तरह से हम लोग इनर ज्वाइन का यूज करते हैं, ठीक है, और इनर ज्वाइन का यूज केस भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बेसिकली आप इनर ज्वाइन का यूज तब करते हैं जबकि आपको वही रिजल्ट चाहिए जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो, ये नहीं कि और सब ज्वाइन का भी क्या यूज होता है, वो सब आपको अगर अच्छे से समझ आता होगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मैं आप लोग को अभी थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब समझाऊंगा नहीं, बस समझा देता हूँ, बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, अगर आप दो टेबल को ज्वाइन करते हैं बेसिकली, तो जो बेसिकली देखिए यहाँ पे जैसे इनर ज्वाइन में बेसिकली ये पार्ट इंक्लूड होता है, ठीक है, ये पार्ट इंक्लूड होता है सिर्फ, बाकी ये दोनों पार्ट इनर ज्वाइन में नहीं आता। पर जब आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन कीजिएगा तो बेसिकली ये सारा पार्ट इंक्लूड होगा, सिर्फ इतना दूर का पार्ट ये एक्सक्लूड करेगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन के केस में, ये आगे समझेंगे। तो आपका मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ कि आप समझ सकें कि आपका यूज केस क्या है, उसके अनुसार ही आप ज्वाइन के टाइप को यूज कीजिए। जैसे इनर ज्वाइन का यूज केस क्या है, कब होगा, जब आपको वो डिटेल चाहिए जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो, तो आप इनर ज्वाइन का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये था इनर ज्वाइन। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पर मैं आप लोग को क्या करता हूँ, मल्टीपल टेबल, मोर देन वन टू टेबल को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो एक मेरा और टेबल है यहाँ पे, एक और टेबल है एड्रेस, तो ये तीनों टेबल को मैं एक बार क्वेरी करके आपको दिखा देता हूं। तो तीसरा टेबल में बेसिकली क्या है, एड्रेस स्टोर्ड है पार्टिकुलर स्टूडेंट के, ठीक है, कि स्टूडेंट किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो मान लीजिए आपसे कोई आपको एक ऐसा क्वेरी करने का मतलब कोई आपको दे कि आपको पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम निकालना है, ठीक है, पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम निकालना है जो कि डीएसए कोर्स में एनरोल्ड हो और वो चेन्नई से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको पहले यहाँ पे तीनों डिटेल अलग अलग टेबल में स्टोर्ड है, मतलब आपको वो स्टूडेंट का नाम निकालना है जो कि डीएसए कोर्स में एनरोल्ड हो। पहले तो हमको फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा डीएसए में कौन सा स्टूडेंट एनरोल्ड है, तो ये चेक करने के लिए हमको कोर्स टेबल चाहिए, स्टूडेंट का नाम के लिए हमको स्टूडेंट का टेबल चाहिए, और फिर उसके बाद हमको ये भी चेक करना है कि वो पार्टिकुलर चेन्नई में ही हो, मतलब हो सके कि पांच स्टूडेंट डीएसए कोर्स में एनरोल्ड हो और पांचों स्टूडेंट में कौन सा स्टूडेंट चेन्नई में हो, ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो ये पता कैसे चलेगा चेन्नई में है कि कहाँ पे है, तो वो हमको एड्रेस टेबल से पता चलेगा क्योंकि वो एड्रेस टेबल में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप सोचिए ये दो टेबल से काम चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमको ये तीनों अलग अलग टेबल से डिटेल्ड मिल रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या करेगा करना पड़ेगा, तीनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो तीन टेबल को ज्वाइन कैसे करते हैं, चलिए वो जानते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है बेसिकली, नॉर्मल तरीके से। हमको क्या चाहिए, हमको अभी यहाँ पे स्टार में कर देता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट स्टार फॉर्म
कौन सा टेबल से स्टूडेंट का नाम मिलने वाला, स्टूडेंट एसटी, इसको मैं अलियास एसटी दे दिया। उसके बाद इनर ज्वाइन, इस टेबल से हमको कोर्स मिलेगा, बेसिकली हमको कोर्स टेबल भी चाहिए तो कोर्स टेबल से हम ज्वाइन कर देते हैं। कोर्स का स्पेलिंग एक बार मैं देख लेता हूं। अब देखिए ये सबसे यहाँ पे काम कैसे करता है, बेसिकली अगर आपको मल्टीपल जो टेबल को ज्वाइन करना हो, यहाँ पे मोर देन टू टेबल को ज्वाइन करना हो, तो सबसे पहले ये दोनों टेबल को आप ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले ये दोनों टेबल को ज्वाइन कीजिए, ये दोनों टेबल तो ऐसे ही ज्वाइन होंगे बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूँ, इतना लिखता कौन है बार बार। तो यहाँ पे देखिए सबसे ये अगर मल्टीपल टेबल को आपको ज्वाइन करना हो, मतलब मोर देन टू टेबल को ज्वाइन करना हो, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पहला टेबल को ज्वाइन, मतलब पहले दो टेबल को ज्वाइन। तो ये दोनों टेबल तो ज्वाइन हो गया, और ये दोनों टेबल को ज्वाइन करने से हमको पर्टिकुलर वो स्टूडेंट का नाम और कोर्सेज मिल जाएंगे, पर यहाँ पे अभी भी एड्रेस मिसिंग है। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, बेसिकली एड्रेस को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन एड्रेस, इसको भी मैं अलियास दे देता हूँ ए। अब देखिए यहाँ पे अब बताना पड़ेगा बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है। ये दोनों टेबल का आउटपुट आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो बेसिकली जो आउटपुट आया, अब इस पार्टिकुलर आउटपुट के साथ हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं किसको, एड्रेस को, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये मत समझिए कि स्टूडेंट का है फिर इनर कोर्स को कर रहे हैं तो अलग अलग ज्वाइन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले दो टेबल ज्वाइन हुआ यहाँ पे, स्टूडेंट और कोर्स। स्टूडेंट और कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ये आउटपुट आया, और जो तीसरा टेबल ज्वाइन होगा वो इस आउटपुट से ज्वाइन होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे किस कॉलम से हमको ज्वाइन करना है, तो एड्रेस टेबल में एक कॉलम है एड्रेस आईडी करके, सॉरी स्टूडेंट आईडी करके। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। इस बेसिकली बता रहा किस टेबल पे, किस कॉलम के बेसिस पे आप दो टेबल को ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब आप कौन सा टेबल का, मतलब आप फिक्स करना चाहते हो, एक तरीके से आप वैलिडेट करना चाहते हो कि आपका क्राइटेरिया वैलिड हो रहा है कि नहीं, कि दोनों डेटा दोनों टेबल में बेसिकली अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। ये आप वैलिडेट करना चाहते हो, तो ये कैसे करिएगा आप, एक यहाँ पे आप दे रहे हैं कोई कॉलम का नाम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप दे रहे हैं ठीक बेसिकली ये, तो यहाँ पे आप दे दिए स्टूडेंट आई डी। उसके बाद इक्वल्स टू हम आप कोई भी कर सकते हैं, ये स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ये आप ये आईडी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका और भी कोई चीज है, कोई और भी आपका कॉलम है, उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये आईडी के बेसिस पे कर रहा हूँ जो कि हमारे कोर्सेस कोर्स टेबल में अवेलेबल है। कोर्स टेबल में ये जो स्टूडेंट आईडी अवेलेबल है मैं इसके बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे जो डिटेल आएगा स्टूडेंट आईडी, और बेसिकली ये जो एड्रेस टेबल में है, ये मैं एक बार इसका देख लेता हूँ, मे बी कॉलम का नाम गलत हो गया हो, कुछ और हो। ये स्टूडेंट आईडी है बेसिकली, ये स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा डिटेल्ड आया है पूरा ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए ये आईडी, ये आईडी और ये आईडी तीनों टेबल में अवेलेबल है कि नहीं है, है तभी ये आ रहा, फिर ये आईडी, ये आईडी, ये आईडी, ये अवेलेबल है कि नहीं तीनों टेबल में, आ रहा है। जो अवेलेबल होगा तीनों टेबल में बस बेसिकली वही चीज आने वाला है यहाँ पे, ये मत समझिए कोई फालतू का चीज नहीं आएगा बिना अवेलेबिलिटी के, जो तीनों टेबल में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, वेयर स्टूडेंट वेयर कोर्स नेम इक्वल्स टू डीएसए, ये हमारा था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोर्स डीएसए होना चाहिए और स्टेट चेन्नई होना चाहिए, ठीक है। कोर्सेस नेम इक्वल्स टू DSA एंड और स्टूडेंट एंड स्टेट इक्वल्स टू चेन्नई, ठीक है। आप लोग यहां सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे अलियास का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए अलियास का यूज बेसिकली तब नेसेसरी हो जाता है, वैसे तो अच्छा अच्छा प्रैक्टिस रहता है अलियास देने का, मतलब कि आप बता सकते हैं कि ये बेसिकली ये कॉलम कहाँ से ले रहे हैं, पर एक बात ध्यान रखिए अलियास का यूज तब कंपलसरी हो जाता है एक तरीके से जब आप दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। मान एक टेबल में स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है, दूसरे टेबल में भी स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है, तो उस केस में क्या हो रहा है, दोनों टेबल दोनों मतलब कॉलम का नाम सेम हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में अलियास का यूज जरूरी हो जाता है, क्योंकि पता कैसे चलेगा आप कौन से स्टूडेंट आईडी को रेफर कर रहे हो, स्टूडेंट टेबल वाले
कोर्स स्टूडेंट आईडी को रेफर कर रहे हो या कोर्स स्टेबल वाले स्टूडेंट आईडी को रेफर कर रहे हो, तो उस केस में एलियास का यूज जरूरी हो जाता है। नहीं कीजिएगा तो एम्बिग्यूस करके एरर आएगा कि बेसिकली समझ ही नहीं पाएगा कि आप कौन से टेबल को रेफर करना चाह रहे हो, मतलब बेसिकली, ठीक है, वो कंपलसरी हो जाता है उस केस में। पर कोर्सेज नेम तो यहाँ पे एक ही टेबल में है और स्टेट भी एक ही टेबल में है, तो इसलिए यहाँ पे हमको कंपलसरी नहीं है कि हम, जरूरी नहीं है यूज करें, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोग को एक ये प्रैक्टिस करके भी दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग को डाउट ना रहे कि हमेशा आपको यूज करना ही करना है एलियास, ठीक है। ये बात समझिए, एलियास का यूज कब करना कंपलसरी हो जाता है और कब करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। ये तो देखिए हमको मिल गया स्टूडेंट आईडी, आपको चाहिए था नाम, तो मोहित मिल गया हमको कि मोहित जीएसए में मतलब इनरोल्ड है और स्टेट उसका चेन्नई है। तो ये है इनर ज्वाइन, ठीक है। और मैं लास्ट में एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली लास्ट में एक बात और बता देता हूँ, ये वाला मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ एक कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाया, तो ये मत समझिए कि आप एक ही कॉलम को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम को भी यूज कर सकते हैं इनर ज्वाइन के बेस, इनर ज्वाइन के लिए। मैं समझाता हूँ कैसे। मैं अब यहाँ पे ये दोनों को क्वेरी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, पर यहाँ पे तो एक ही लगेगा वैसे, पर मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे कोर्स आईडी पे भी लगा दूंगा, ठीक है। मैं आप अभी ऐसा समझिए कि ये क्लास है यहाँ पे, ये क्लास बेसिकली इसको यहाँ पे कोर्स आईडी को रेफर कर रहा है, ठीक है। आप ऐसा अभी समझिए, पर है नहीं ये, पर आप समझ लीजिए अभी मैं समझाने के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दो टेबल को बेसिकली, दो टेबल मतलब दो कॉलम को यहाँ पे, दो कॉलम के बेसिस पे आप यहाँ पे ज्वाइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज चेक होगा, एक तो सबसे पहले क्या चेक होगा, आईडी, आईडी इक्वल्स टू ये स्टूडेंट आईडी है कि नहीं, स्टूडेंट आईडी है कि नहीं, एंड प्रोग्रामिंग किए हुए थे, एंड का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है, और सिक्वल भी किए हुए तो एंड का मतलब पता ही होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज, बेसिक सा चीज है, बहुत बेसिक सा चीज है। एंड क्लास, इस टेबल का क्लास इक्वल्स टू कोर्स आईडी हो, हमको वो डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे जो इक्वालिटी चेक होगा, मतलब अवेलेबिलिटी चेक होगा कि पर्टिकुलर डेटा दोनों टेबल में अवेलेबल है कि नहीं, वो सिर्फ एक कॉलम के बेसिस पे चेक नहीं होगा, यहाँ पे दो कॉलम के बेसिस पे चेक होने वाला, ठीक है, दो कॉलम के बेसिस पे चेक होने वाला कि पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल है कि नहीं दोनों टेबल में। तो ये भी आप कर सकते हो, ये मत सोच के कंफ्यूज रहना, एक ही टेबल, एक ही कॉलम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब एक ही पर्टिकुलर कॉलम का यूज कर सकते हो ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये था इनर ज्वाइन, मैं एक करके भी दिखा देता हूँ आप लोग को कि ये नहीं लगे कि खाली बता दिया, छोटी प्रैक्टिकल तो बताया नहीं, तो मैं प्रैक्टिकल भी हल्का सा बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बस क्या कर लेता हूँ, एंड इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंड आईडी क्लास, क्लास इक्वल्स टू, ये क्लास कहाँ का है, एसटी का है, और ये कोर्स सी डॉट कोर्सेस आईडी, ये मैं इसको क्वेरी करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं कुछ आया, ये देखिए क्यों नहीं कुछ आया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों चीज कॉमन एक साथ मिल ही नहीं रहा इसको। देखिए ये वन, ये टेन, ये तो देखिएगा वन, यहाँ पे वन तो है, पर सॉरी ये वन यहाँ पे वन तो है, पर ये टेन है, यहाँ पे ये वन ही है, तो दोनों में कॉमन तो हुआ नहीं। उसी तरह यहाँ पे इसको कुछ मिलेगा ही नहीं वैसा, कुछ मिल ही नहीं था वैसा कि दोनों, ये आईडी कॉलम भी यहाँ पे हो और ये क्लास कॉलम ये भी यहाँ पे हो, तो उसको वैसा कुछ मिल ही नहीं रहा, इसीलिए ये डेटा नल ले रहा। तो ये होता है बेसिकली इनर ज्वाइन, ठीक है। ये इनर ज्वाइन के पूरा मैंने बताया, बेसिक्स ओवरव्यू ज्वाइन के बारे में भी आप लोग को दे दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो, अगर कोई छोटा से छोटा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन, बेसिकली आउटर ज्वाइन के बारे में बताने वाला हूँ कि आउटर ज्वाइन होता क्या है, प्रैक्टिकल हम लोग आउटर ज्वाइन के बारे में जानेंगे, और फिर आने वाले वीडियो में और दूसरे टाइप के ज्वाइन के बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।